वेलकम टू माय चैनल हिडन जेम ऑफ स्टॉक मार्केट बाय विद्युत विश्वास। फ्रेंड्स चलो, हर रोज जैसे मैंने आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, टेक्निकल रीजन क्या है, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अभी अभी से मैंने टोटल ये भी तैयार किए, टोटल एक क्विक लुक दे देंगे ये निफ्टी और बैंक निफ्टी ई के ऊपर ये क्या दिख रहा है और कौन सा सेक्टर अच्छा लग रहा है, क्योंकि सेक्टरल रिव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एनालिसिस के लिए। तो मैंने सोचा जो सेक्टरल रिव्यू भी आप लोगों को दे देता हूँ, और उसके साथ आप लोगों को जो डिटेल एनालिसिस वो मैं सैटरडे संडे में ऑलरेडी दे चुका, निफ्टी क्या लग रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है, और उसमें क्या मैंने बोला था, जैसे ये आप लोग देख सकते हो निफ्टी इस जगह पे मैंने कंसोलिडेट कर रहा था, मैंने क्लियर कट लास्ट वीडियो पे उस दिन जो फ्राइडे या सैटरडे मैंने जो एनालिसिस दिया था निफ्टी के ऊपर डिटेल, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो दोनों उसमें क्लियर कट मैंने बोला था कंसोलिडेट करेगा और कौन सा जोन से कौन सा जोन तक कंसोलिडेट करेगा, क्यों कंसोलिडेट करेगा, ईच एंड एवरीथिंग मैंने बताया था। जो इतना बड़ा एक अप मूव के बाद ये डायरेक्ट फॉल नहीं हो सकते, कंसोलिडेट करेगा इस जगह पे, ये कंसोलिडेट कर रहा है तो मतलब ये है इस जगह पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब ये जो अप मूव है ये होल्ड कर रहे है और फर्दर अप मूव के लिए निफ्टी तैयार हो रहा है। और जैसे अभी मैंने काफी सारे लोगों को देख रहे हो पूछ रहा है जी कब शॉर्ट करना चाहिए, तो मैं इस जगह पे निफ्टी देखो एक ट्रेंड बना रहा है, जब तक ये ट्रेंड को ब्रेक नहीं कर रहे, ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहे, तब तक शॉर्ट नहीं करना चाहिए। चलो बैंक निफ्टी देख लेते कि बैंक निफ्टी भी व्यू सेम है, क्लियर कट कंसोलिडेट कर रहा है या थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे देख रहा है, और नेगेटिव पे भी वॉल्यूम काफी अच्छा हो रहा है। जैसे इस जगह पे अगर देखेंगे इस नेगेटिव कैंडल पे उतना वॉल्यूम नहीं था, लेकिन ये अप मूव में तो वॉल्यूम तो आ ही रहा था, उसके साथ नेगेटिव साइड में भी वॉल्यूम आ रहे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो रहा है। और जैसे मैंने लास्ट में बोला था, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी एक लगभग बैंक निफ्टी तो एक रेंज में कंसोलिडेट करेगा, कभी भी 1-2000 पॉइंट गिर के वही रेंज में 1000-2000 पॉइंट का रेंज में ये कंसोलिडेट करेगा, लेकिन अभी इसको शॉर्ट नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन बना रहे और ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहे, जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ेगा तब तक ये नहीं तोड़ना चाहिए। तो अभी जैसे देखा इतना दिन तक जो निफ्टी आप मूव दिया उसको मिल रहे जो बैंक निफ्टी और बैंकिंग सेक्टर का सपोर्ट में हुआ, लेकिन निफ्टी जो बॉटम से ऊपर आया था उसमें जो लीडिंग सेक्टर था आईटी एंड फार्मा। तो अभी जैसे मैं कुछ दिनों से जो देख रहा हूँ जो मतलब आपको ऑटो सेक्टर मेटल सेक्टर बहुत ज्यादा रन किया और अभी वो सब कंसोलिडेशन चालू हो गया, तो कुछ दिन तक अभी कंसोलिडेट करेगा भी उस जोन में शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक पिक करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि कुछ दिनों के मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्टॉक अच्छा नहीं है, लेकिन उस जोन में शायद अभी कुछ दिन मेटल और ऑटो स्टॉक मतलब कंसोलिडेट करेगा। तो अभी जो मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है वो है आईटी एंड फार्मा, थोड़ा दोनों का स्टॉक देख लेते हैं। तो निफ्टी आईटी देखेंगे तो मतलब पहले मंथली चार्ट पे देखते हैं, क्लियर कट इस जगह पे एक ऑल टाइम ब्रेकआउट दिया था और ऑल टाइम ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूअसली ऊपर गया था, इधर थोड़ा सा होल्ड किया था, लेकिन अभी एक मेजर करेक्शन आया था, लेकिन करेक्शन जैसे मैंने निफ्टी में भी बोला था जो करेक्शन बहुत ज्यादा एक सार पाप मूव के बाद बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं हो सकते, इस जगह पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया इसने। अभी जैसे देख ले मतलब इसने क्लियर कट ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया नीचे से और ऊपर से, थोड़ा ट्रेंड लाइन करेक्ट करना पड़ेगा, मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि तो जो भी है ट्रेंड लाइन उतना करेक्ट नहीं हुआ। अभी क्या हुआ जैसे ये कंसोलिडेट करने के बाद इस जगह पे ब्रेकआउट दिया और जिसे लास्ट हाई है उसके ऊपर और उसका पहले वाला जो हाई है मेन कंसोलिडेशन जोन है उसको क्लियर कट ब्रेक किया। तो आईटी जैसे लास्ट बुल रन को लीड किया था तो अभी लग रहा है फिर से आईटी कंसोलिडेशन के बाद फिर से ऊपर जाने के अप मूव देने के लिए तैयार हो रहा है और वॉल्यूम भी इधर बढ़ रहा है। तो थोड़ा अभी फार्मा देख लेते हैं,
निफ्टी फार्मा अभी देखेंगे जो ये भी एक बहुत ही बड़ा अपमूव दिया था, एक बड़ा अपमूव दिया था। और अगर इधर चार्ट में देखेंगे, इधर क्लियर कट में थोड़ा मंथली चार्ट पे जाता हूँ, वीकली चार्ट पे ये 3 साल तक ये रेजिस्टेंस लेके कंसोलिडेट किया था और उसके ऊपर एक ब्रेकआउट दिया था। अभी ब्रेकआउट बड़ा मूवमेंट के बाद इस और वॉल्यूम भी देखिए कितना बड़ा था, अभी थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है और वॉल्यूम भी सिंक कर रहा है जो बुलिश वॉल्यूम कहा जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इधर ये जो अपमूव था वो होल्ड कर रहे क्लियर कट ब्रेकआउट जोन के ऊपर, जो कहीं ना कहीं साइन होता है जैसे एक बड़ा मूवमेंट के बाद अगर होल्ड वो मूवमेंट होल्ड कर रहे छोटा छोटा कैंडल के साथ, तो वो कहीं ना कहीं ये मतलब साइन होता है और भी फादर अपमूव के लिए तैयार हो रहा है। तो अभी मेरे को जो लगता है इस बार अपमूव चालू होगा तो इधर तक एकदम ऑल टाइम हाई पे ये आएगा। लेकिन अभी थोड़ा मैंने 11,900 पकड़ लीजिए, उसके ऊपर जाने के लिए वेट करूंगा। निफ्टी जैसे फार्मा आज का भी मतलब स्ट्रेंथ दिखाया, लेकिन अल्टीमेटली ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के लिए ब्रेक नहीं कर पाया। जो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके अगर ये दोनों हाई के ऊपर एक क्लोज देगा तब मैंने फार्मा सेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। तो अभी क्लियर कट जो है मतलब मेटल एंड ऑटो लगा कंसोलिडेट करेगा, बैंकिंग भी कंसोलिडेशन तो करेक्शन में है। और जो सबसे मतलब अच्छा लग रहा है वो है आईटी। तो चलो आईटी में अभी जैसे मैंने कौन सा स्टॉक सिलेक्ट किया, अभी जो हम लोगों को सिलेक्शन है आईटी से ही मैंने किया उसलिए शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि इंडेक्स अच्छा लग रहा है तो वो भी चलेगा। तो चलो आईटी में सबसे अच्छा जो मेरे को लग रहा है, किसे स्टॉक सिलेक्ट किया नहीं किया वो उतना डिटेल में जाएंगे तो वीडियो अननेसेसरी बड़ा हो जाएगा, तो मैंने वो नहीं चाहता हूँ। तो आईटी में जैसे मेरे को वो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ, जैसे है विप्रो। विप्रो मेरे को क्यों अच्छा लग रहा है, विप्रो अगर देखेंगे तो इस जगह से एक पहले मंथली चार्ट पे मैं दिखा देता, क्योंकि आप लोगों को सबके पता है मैंने मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट में हमेशा एनालिसिस करता हूँ। तो इस जगह से अगर देखेंगे जो 2007 से जो ट्रेंड लाइन इसका वैलिड था उसको ब्रेक किया था और बहुत ही काफी ज्यादा वॉल्यूम के साथ, और इस जगह पे एक ऑल टाइम मतलब ब्रेकआउट भी दिया था, उसके बाद एक वर्टिकल मूव था। मैंने कहीं ना कहीं हमेशा बोलता हूँ वर्टिकल मूव कभी सस्टेन नहीं कर सकते उसको, वो अगर वर्टिकल मूव के बाद या तो गिरेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है वो उस जगह पे थोड़ा सा मतलब होल्ड कर लेते। जैसे डेली चार्ट पे देखता हूँ तो इस जगह पे जैसे कंसोलिडेशन किया अप मूव के बाद और उसको थोड़ा थोड़ा सा शार्प मूव 1-2 दिन था लेकिन वो होल्ड किया, और इस जगह पे जैसे बहुत ज्यादा वॉल्यूम था इस जगह पे वॉल्यूम सिंक किया। तो कहीं ना कहीं मतलब कोई सेल करने के लिए उतना तैयार तो नहीं है, और इस जगह पे एक होल्ड करने के बाद एक बड़ा मतलब बुलिश कैंडल दिया और वॉल्यूम भी इस जगह पे थोड़ा हायर साइड में है। अगर देखेंगे तो वॉल्यूम जैसे ये बढ़ रहा है, लास्ट कैंडल से ऑलमोस्ट 20-30% ज्यादा है, तो कहीं भी अच्छा साइन है। और जो सबसे बड़ा बात है इस जगह से अगर एक तो ट्रेंड लाइन तो कहां से भी खींचेंगे ज्यादा पॉइंट तो मेरे को मिल नहीं रहा है। और सबसे जो एक कंसोलिडेशन कर रहा था एक सपोर्ट, और जैसे इसका मैं हमेशा जो ड्रॉ करता हूँ एक हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट ले लेता हूँ, जो सप्लाई जोन के साथ ये कंसोलिडेट कर रहा था। तो सप्लाई जोन को ब्रेक करके निकला, तो सप्लाई जोन के अगर इस जगह पे स्टॉप लॉस देना है तो मैंने हमेशा बोलता हूँ सप्लाई जोन का थोड़ा सा नीचे, लेकिन इधर सारे कैंडल के आसपास है तो मैंने इस लो के नीचे एक स्टॉप लॉस लगूंगा जो 340 के आसपास आ रहा है। और भी सेफ खेलना है तो इसके जगह पे 330 पे एक स्टॉप लॉस हम लोग रख सकते हैं। तो 330 पे भी हम लोग अगर रखेंगे तब भी 25 रुपया का स्टॉप लॉस आता है, तो 25 रुपया का स्टॉप लॉस जो है मतलब ऑलमोस्ट 8% के आसपास ही है, 7-8% है जो हमारा रिग्स भी फेवरेबल है ये। और इसका मतलब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में दूसरा चार्ट भी बहुत बुलिश है ये, अगर इस डेली चार्ट में भी उसका शॉर्ट टर्म एक ब्रेकआउट है, तो सब कुछ मिला के जो बाकी आईटी स्टॉक में मिला नहीं है, या तो मिला तो मेरा रिस्क फेवरेबल नहीं हो रहा है। और अभी एक छोटा सा स्मॉल कैप आईटी स्टॉक देता हूँ, लेकिन स्मॉल कैप में फ्रेंड इन हमेशा मतलब थोड़ा सा खेलना डेंजरस होता है, तो हमेशा स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ खेलना। और फ्रेंड दूसरी बात ये है, मैंने आप लोगों को ये जो चीज है ये सारी चीज आप लोगों को लर्निंग के लिए मैं दे रहा हूँ,
ऐसा नहीं मैंने आप लोगों को कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ या तो कुछ दे रहा हूँ। रिकमेंडेशन देना है तो मैंने एक स्टॉक दे सकता था, ऐसा तीन चार स्टॉक में स्टॉक मैंने नहीं देता था। इसमें से मैं चाहता हूँ ये कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं कैसे सोच रहा हूँ, मेरा थिंकिंग वो ये कैसा है। जैसे मेरा स्टॉक तो परफॉर्म करता है, आप लोग वो ऑलरेडी देख चुका है। मैंने जो जो शॉर्ट टर्म के लिए जो वीडियो मैंने लॉजिक के साथ दे रहा हूँ, ये मेरे को पता नहीं ये परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। जो लॉजिक मेरे को दिख रहा है वो मैंने आप लोगों से शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ये लॉजिक के बेसिस पे शायद ये चल सकता है। तो इसमें आप लोग ऐसा ही मतलब इसमें एंट्री कर मत कर लेना, इसको लर्निंग के लिए यूज करो, इसको बैक टेस्टिंग करो, उसके बाद आप लोग लर्निंग मतलब इसमें एंट्री करने का सोचना। क्योंकि मेरे ना कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस और कुछ कुछ नहीं है, मैंने एक टेक्निकल एनालिसिस मैंने खुद का हॉबी के लिए करता हूँ और वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स और दूसरा बात यह है, मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको लर्निंग एंड शेयर कीजिए, ये जरूर। और तीसरा ये है, आप लोग अगर मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा है, आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, मेरा सारे अपडेट उसमें मिलते रहेगा आप लोगों को। दूसरा स्टॉक जो है वो है बिरला सॉफ्ट। इसका जैसे डेली चार्ट देखेंगे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे डेली चार्ट में तब भी एक बार देख लेते हैं। अगर इधर देखेंगे एक क्लियर कट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है और इस जगह पे जो सप्लाई जोन एक बार मार्क कर लेते हैं। चलो 10 लाइन सप्लाई जोन मार्क कर लिया, जो सप्लाई जोन के ऊपर से इधर डाउन ट्रेंड में जाने के बाद एक जगह में जगह होल्ड कर रहा है। वॉल्यूम भी जैसे इस जगह में काफी अच्छा है, इस जगह पे वॉल्यूम सिंक कर रहा है। जो वॉल्यूम जब सिंक करता है कभी ना कभी वो साइन होता है ये अप मूव, मतलब ये जो डाउन मूव चल रहा था वो कभी सस्टेन नहीं कर सकते। तो वो अल्टीमेटली वही हुआ, इसने एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया और इस जगह पे अगर देखेंगे कैंडल में वॉल्यूम भी ज्यादा है। लेकिन चलो फिर से वही बात है, जैसे मैंने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमेशा करता हूँ, ये अगर देखेंगे इस जगह पे एक सप्लाई जोन और डिमांड जोन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया ना, इस जगह पे एक ऑल टाइम ब्रेकआउट दिया था और काफी अच्छा वॉल्यूम था। और उसके बाद दो इसके देखिए एक ही विषय वही बात है, जो इसको नीचे आना है तो नीचे आ जाता था, इधर अगर अप मूव के बाद एक पैराबोलिक अप मूव था उसके बाद अप मूव सस्टेन किया ना, 3 महीने तक इसने सस्टेन किया, इस जगह पे एक करेक्शन दिखाया, करेक्शन के बाद वो निकलने का मतलब ये अप मूव होल्ड किया और उस जगह पे वॉल्यूम भी सिंक हुआ, जो काफी अच्छा साइन है। ये मतलब नीचे की तरह बेचने के लिए कोई उतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो और आईटी सेक्टर भी बुलिश लग रहे हैं तो मैंने ये स्टॉक सिलेक्ट किया। और एक स्टॉक जो है वो है बालाजी एमाइंड, जिससे आप लोग ऑलरेडी जो लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप में है और मेरा स्टूडेंट है उन लोगों को ऑलरेडी पता है बालाजी एमाइंस हम लोगों ने ये काफी नीचे का लेवल से 500 का लेवल से ये हम लोग होल्ड कर रहे हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अभी कैसे लग रहा है वो एक बार देख लेते हैं। ये जैसे मैंने पहले ही दिखाया था उसमें हम लोग ऑलरेडी इसमें एंट्री ले चुका है इस जगह पे। इस जगह पे जैसे इसका डाउन ट्रेंड खत्म हुआ था और इस जगह पे जो कंसोलिडेशन फेज था उसके ऊपर वॉल्यूम के साथ इसने जब गया था तब, लेकिन उसके बाद देखो ये ब्रेकआउट तो नहीं दिया था, ब्रेकआउट ये जो हाई था उस जगह पे ये जो सप्लाई जोन है ये सप्लाई जोन के मतलब नीचे थोड़ा सा कंसोलिडेशन कभी ये दिखा था, सप्लाई जोन के अगर आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है तो ऑब्वियसली आप मूव के लिए तैयार हो रहा है। तो अल्टीमेटली उसने ब्रेक किया, एक कैंडल होल्ड किया और अल्टीमेटली फिर से ब्लास्ट किया और क्लियर कट इसने ऑल टाइम हाई दिया और वॉल्यूम भी एक्सपेंशन काफी है इस जगह पे जो दिखा रहा है, कहीं ना कहीं ये और भी बड़ा मूव के लिए प्रिपेयर हो रहा है। तो इस जगह पे मैंने ये थोड़ा सा ये जो सप्लाई जोन के नीचे ही मैंने जनरली स्टॉप लॉस रखता है और उसका आसपास लो है तो ये लो के नीचे रखूंगा। ये 9:38 जो है डेली क्लोजिंग बेसिस पे इस लो को अगर वायलेट किया तो हम लोग इसमें निकल जाएंगे।
तो इसमें मतलब मूव कभी अच्छा लग रहा है? कोई भी स्टॉक जो ऑल टाइम हाई में रहता है, जैसे इस जगह पे मैंने देखा जो 775 में इसने ऑल टाइम हाई दे दिया, उसके बाद भी थोड़ा सा दो तीन कैंडल होल्ड किया और फिर से निकला, तो इसमें काफी बुलिश है। और इसमें मेरा जो टारगेट है, जनरली जो ऑल टाइम हाई देते हैं उसका डबल में पकड़ लेता हूँ, तो लगभग इसमें 1550 का टारगेट है। तो अभी भी इस जगह पे 50% एन मूव दे सकता है, तो जो काफी बुलिश है स्टॉक। और मैंने फिर से अभी खत्म करने के पहले ये तीनों स्टॉक आज के लिए है, और आप लोगों के सेक्टर एनालिसिस भी करके दिया, तो सब कुछ मतलब मैंने क्लियर कर लिया अभी कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए ये। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है और सही में आप लोग लर्निंग कर रहे हो, तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करो, मेरे को पता तो चले मेरा वीडियो किसी को लर्निंग के लिए हेल्प कर रहा है। और चलो फिर आज के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।